चैनल कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है संडे, यानी कि आज है 2 अगस्त, और कल आप लोगों को पता है कल क्या है, कल है रक्षाबंधन। सो मैंने सोचा चलो आज से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी टाइम हो रही है, शाम की 6 बज रही हैं, और मैं अभी जाने वाली हूँ नीचे चाय बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, और आप लोग सोचेंगे फिर मैंने अपना हुलिया वही बना लिया है। काफी सारे लोग, मतलब काफी सारे नहीं, वही एक दो जो मेरे को नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनको मौका मिल जाएगा फिर बोलने का कि हाथ पे मतलब मोबाइल पकड़ के फिर शुरू हो गई है बिना मेकअप वेकअप किए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा अभी मेकअप करूंगी। तो अभी मैं अपने बाल थोड़ा सा मतलब बनाऊंगी, और आप लोग देख सकते हैं मेरे बालों पर थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ गया है। मैंने मेहंदी लगाई थी ना कुछ दिन पहले, आपको दिखाया था, तो मेहंदी लगा के बहुत अच्छा सा कलर आ गया है बालों पर। लेकिन हेयर फॉल मेरा कम ही नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करती हूँ अभी। एनीवे गाइज, अभी मैं जा रही हूँ नीचे चाय बनाती हूँ, और मे बी मैं अभी जाऊंगी मेहंदी लेने, क्योंकि ना ही मैंने तीज की मेहंदी लगाई, और अभी तो रक्षाबंधन है और मेहंदी लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, इस बार भी रक्षाबंधन पे मैं अपने भाई के पास नहीं गई, क्योंकि मैंने सोचा था, मन तो बनाया हुआ था कि इस बार मैं जाऊंगी, बट नहीं जा पाई। उसका रीजन आप सभी लोगों को पता है, रीजन क्या है, कोरोना वायरस है, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई। बट देखते हैं नेक्स्ट ईयर अगर हो पाएगा तो जरूर जाएंगे। सो चलो अभी ज्यादा पक पक नहीं करती हूँ, रेडी होती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ। मे बी मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मे बी मैं इस वीडियो को कल तक कंटिन्यू करूंगी, यानी कि मेरा जो रक्षाबंधन का वीडियो व्लॉग है वो भी इसी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैं अलग से उसे नहीं बनाऊंगी, इसी में ही ऐड करूंगी। मे बी बोल रही हूँ, आप कोई पता नहीं है। सो चलो अभी ज्यादा बात नहीं करती हूँ, 2 मिनट से ज्यादा मैंने खींच लिया है, फिर आप लोगों को मिलती हूँ कुछ देर बाद। ओके, मतलब वो कुकुम्बर वाला जेल लगाया था फेस पे, वो इसी वजह से, क्योंकि आजकल थोड़ा उमस वाली गर्मी है ना, इस वजह से मैंने वो वाला जेल लगाया मुंह पे। सो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा मेरे पे ना यहाँ पे पिंपल्स होने शुरू हो गए, ये देखो छोटे छोटे पिंपल, मे बी ये गर्मी की वजह से हो रहेंगे, बट ठीक हो जाते हैं। मेरे फेस पे ऐसा नहीं है कि पिंपल हो गया तो वो रह जाता है, ठीक हो जाता है, बट थोड़ा सा हो गया तो कुछ यहाँ पे हुए हैं, कुछ यहाँ पे हुए और कुछ इस साइड हुए, तो मे बी ये ठीक हो जाए। तो चलो अभी चलती हूँ मैं नीचे, और उसके बाद देखती हूँ, मैं भी आज आप लोगों के साथ रहते भी शेयर करूँ, और करा तो अच्छी बात है, नहीं करी तो क्या बोले, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको कुछ देर बाद। अभी हम जा रहे हैं मेहंदी लेने, और आप देखिए ऊपर मौसम देखिए, वाओ। ये वाला सनसेट एकदम पीला पीला काफी सुंदर है।
है गाइस, अभी बज रही हैं रात की 10:30 और मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी। तो मैं ले आ चुकी हूँ मेहंदी की कीप और इस हाथ के कंगन मैंने खोल दिए। मैं इसे हाथ पे लगाऊंगी, वैसे तो मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी। तो मैंने यहाँ पे लैपटॉप में मेहंदी का डिजाइन निकाला हुआ है, तो उस डिजाइन को देख के ही मैं ऐसा कुछ लगाऊंगी। हमारा डिनर वगैरह हो चुका है और हमारा डिनर वगैरह हो चुका है आप लोग सोचेंगे कि मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं की। तो आज हमने पनीर की ही सब्जी बनाई थी जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखाई चुकी हूँ। तो सिंपल सा पनीर सब्जी बनाई थी, मतलब चिली पनीर नहीं बनाया था, बट नहीं रेसिपी मैंने शेयर की क्योंकि मुझे लेंथ ही नहीं करना है वीडियो। कल भी मैं इसमें मतलब रक्षाबंधन का जो मेरा ब्लॉग आएगा वो इसी में ही मैं ऐड करूंगी, यही मेरा रक्षाबंधन का ब्लॉग होगा। सो चलो अभी मैं लगा रही हूँ मेहंदी, तो पहले मैं आप लोगों को दिखा लेती हूँ। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, आज मैं गई थी जहां से मैं मेहंदी लाई हूँ ना, तो वहां पार्लर मतलब पार्लर से लाई हूँ। सो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने थोड़ी सी थ्रेडिंग भी कर ली अपनी, क्योंकि यार जब मेकअप करते हैं ना तो अगर हम अपने आईब्रो सेट करते हैं तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग जाते हैं, इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को अपने थ्रेडिंग करनी चाहिए क्योंकि थ्रेडिंग की ग्रोथ मेरी बहुत ज्यादा आ गई थी और अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से मुझे थ्रेडिंग करना पड़ा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा डिजाइन चूज किया हुआ है। सो गाइज, ये वाला डिजाइन मैं बनाने वाली हूँ अपने हाथ पे, बहुत ही इजी डिजाइन लग रहा है मुझे और मेरे को लग रहा है कि मेरे से बन जाएगा, बट इसमें यहीं तक है, मतलब यहीं तक इसने लगाया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा नीचे तक लगाऊंगी, देखती हूँ नीचे के लिए कोई और डिजाइन मुझे पसंद आ जाए तो वो लगाऊंगी। सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेहंदी लगाना, तो चलो देखते हैं क्या बनता है, स्टार्ट करने में क्या जाता है। देखिए डिजाइन, देख रहे हो कितना गंदा बनाया हुआ मैंने, बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है। तो देखते हैं आगे आगे मैं क्या बनाती हूँ, इसका हाल क्या करती हूँ मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले लगाना, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है हमारा। सो यहाँ से स्टार्ट तो कर लिया गाइस मैंने, अब देखती हूँ नीचे क्या क्या बनाती हूँ। तो चलो पहले मैं मेहंदी का पूरा डिजाइन बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके की मेहंदी लगाई हुई है। ओके, सो देखिए गाइस मैंने कैसी मेहंदी लगाई है, ये देखिए बहुत ही वाहियात मेहंदी है, बट मैंने पूरी ट्राई किया जिस तरीके का मैंने आपको दिखाया था डिजाइन, उस तरीके का डिजाइन बनाने की कोशिश की बट सही से नहीं लग पाया, बट उतना बुरा भी नहीं है, ठीक है चल जाएगा। देखिए सो अभी फ्रंट तो मैं इतने लगाऊंगी, थोड़ा बैक साइड में लगाती हूँ बट फ्रंट में मैं इतना ही लगाऊंगी। तो चलो पूरी मेहंदी लगा के फिर दिखाती हूँ आपको। सो गाइस मेहंदी मेरी लग चुकी है, बट मैंने बिल्कुल भी अच्छी मेहंदी नहीं लगाई है, आप लोग मुझे जज मत कीजिएगा। सो ये देखिए, ये मेरी फ्रंट साइड की मेहंदी है जो कि मैंने देखा है, फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को आता नहीं है सही ढंग से लगाना, मतलब डिजाइन तो मैंने उसी तरीके का बना लिया बट जो सफाई होती है ना, जो मेहंदी वाले लगाते हैं या कोई और जिनको अच्छी तरीके से मेहंदी लगाना आता है, उस तरीके से सफाई बिल्कुल भी नहीं है। और पीछे देखो
यहाँ तो मैंने खिचड़ी बना दी, सारी खिचड़ी जैसी बना दी है, बट फिर भी अभी तो अच्छा लग रहा है, बट सूखने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। सो बस इतना ही, मुझे मेहंदी लगानी थी और मैंने लगा लिया है, देखती हूँ साथ पे अगर लगा हो पाया तो मैं लगाऊंगी और अगर नहीं हो पाया तो नहीं लगाऊंगी। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी मेहंदी पसंद आई होगी। तो चलो मेरी मेहंदी पूरी लग चुकी है, टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका है, रात की 12 बजने वाली है। सो मिलती हूँ मैं आपको कल सुबह, और वीडियो लेंथ ही नहीं करना है जैसे बोल दिया मैंने आपको, तो चलो मिलती हूँ आपको कल सुबह। ओके बाय, गुड नाइट। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है 3 अगस्त, यानी कि आज है रक्षाबंधन, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो गाइस, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ और अभी टाइम जो हो रहा है 8:30 होने वाली है, और ये देखिए मेरी मेहंदी देखिए अच्छी रची हुई है, लेकिन डिजाइन अच्छा नहीं है बट रची अच्छी है। इस हाथ पे भी लगाया था मैंने, ये देखो इस पे तो मैंने टेम्परेरी लगाया हुआ है, आता नहीं था बट फिर भी लगा लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे खाना बनाने, देखते हैं आज क्या बनाते हैं। वैसे तो हम मतलब जो भी हम लोग बनाते हैं तो हम पूरी पकौड़ी बनाते हैं, तो मैं भी उसी को बनाएंगे। सो अभी मैं जा रही हूँ नीचे और मैं तैयार हो चुकी हूँ, देखिए मैंने आज वाली ड्रेस पहनी है। सो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, तो आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं पूरी पकौड़ी बनाती हूँ। और अभी जस्ट मैंने अपने भाई से भी बात करनी है, अभी करी नहीं है तो उनसे भी बात करूंगी। वैसे भी पंडित जी से पूछा था मैंने, तो पंडित जी ने बोला था मुहूर्त जो है रक्षाबंधन का वो 9:30 बजे के बाद है, तो उसके बाद ही हम मतलब राखी का जो फंक्शन है उसे सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, आपको ले जाती हूँ अपने किचन में और दिखाती हूँ किस तरीके से मैं पूरियां पकौड़ियां बना रही हूँ। ओके बाय। गाइस, हमारी रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो गई है, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, देखो ये राखी पहनी हुई है मैंने। सो मैंने अपने देवर लोगों को ही राखी पहनाई, क्योंकि उन्हीं को मैं भाई बोलती हूँ तो वही मेरे भाई हैं। सो अभी जस्ट मैंने अपने भाई से बात की और मैंने मतलब एक क्लिप भी उसकी शूट की है जो मैं इस वीडियो में एड कर दूंगी। साथ ही साथ मैंने अपनी दी मतलब जो मेरी सबसे बड़ी दी है जो वहां पे रहती है भैया के साथ, तो मैंने उसको बोला था कि
एक वीडियो बना देना, मुझे दे देना। तो उसने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो जब वो वीडियो मुझे सेंड कर देगी तो मैं उस वीडियो को भी इस वीडियो में ऐड कर दूंगी। तो आप लोग देख लेना कि किस तरीके से मेरी दी लोगों ने वहां पे सेलिब्रेट किया, क्योंकि हमारी तरफ से भी मेरी दी ने ही वहां पे भैया को राखी पहनाई है। गाइस मैं रक्षाबंधन पे जा तो सकती थी क्योंकि मैंने मन बनाया हुआ था कि इस बार मैं जाऊंगी, बट कोरोना ने सब कुछ खराब कर दिया। और मतलब होता है ना, मेरा पूरा मूड था कि मैं जाऊंगी, क्योंकि यहां से थोड़ा मतलब ज्यादा दूर नहीं है, 5-6 घंटे का रास्ता है हरिद्वार का, तो मैं वहां पे चले जाते अपने भाई को राखी पहनाने। बट क्या करें, कोरोना ने सब खराब कर दिया है। पता नहीं ये 2020 में ऐसा क्या हुआ कि हम लोग मतलब कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। एनीवे गाइस अब क्या करें, थोड़ा बहुत इमोशनल तो हो ही जाता है बंदा, अगर मतलब ऐसा भाई का त्योहार हो और हम भाई के साथ ना हो तो थोड़ा बुरा लगता है, बट आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और सो चलो अभी वीडियो को यहीं पे अपने ही रोकती हूँ और मिलती हूँ आपको एक और नए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाकी गाइज आई होप कि आप लोगों का भी रक्षाबंधन काफी अच्छा गया होगा, और साथ ही साथ आप लोगों ने देखी और साथ ही साथ आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हमने क्या बनाया था। आज हमने पूरी पकौड़ियां बनाई थी, जो कि मैंने ज्यादा सूट नहीं की क्योंकि मैं ट्राइपॉड लाई नहीं और थोड़ा सा ही सूट किया मैंने। बाकी अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए दोपहर की, तो अभी जस्ट हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए हैं, तो अब देखते हैं लंच में क्या बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो रक्षाबंधन का ब्लॉग यहीं पे अपना एंड कर देती हूँ, और अब ज्यादा क्या बोलूँ। अगर भाई के पास जाती तो मैं आपको सब कुछ दिखाती, बट भाई के पास गई नहीं और दिखाया नहीं कुछ भी। तो चलो अभी ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।